हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्वलम एकेडमी। तो हमने जहाँ पिछली वीडियो में देखा था कि सिलॉगिन का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसको कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, उसके ट्रिक्स जितने भी हैं, ठीक है। तो जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है वो लेफ्ट साइड में आई बटन पे क्लिक करके और उस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, ठीक है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, ठीक है। तो रक्त संबंध यानी रिलेशन वो जो बाई बर्थ है, यानी जन्म जन्म से, यानी जैसे हमारे माता पिता है, ठीक है ना। तो उनसे जो भी रिलेशन बनेगा, जैसे कि मेरा या मेरे लड़के का, यानी जो भी खून का रिश्ता होगा, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम तीन स्टेप्स के बारे में जानेंगे। पहले जो पहला स्टेप होगा, सबसे पहले ब्लड रिलेशन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ऐसे ही तो किसी के बारे में ये नहीं बता सकते कि कौन मेल है या फीमेल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जेंडर फाइंड आउट करना होता है, तभी हम बता सकते हैं कि ये माता होगा या पिता होगा, ये लड़का होगा, लड़की होगा, चाचा होंगे, चाची होंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमको उनका जेंडर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जेंडर में सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होता है मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल, तो मेल को हम दिखाते हैं प्लस से और फीमेल को हम दिखाते हैं माइनस से। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रिलेशन फाइंड आउट करने की होती है, वो होती है आपका जेंडर फाइंड आउट। जब हमें जेंडर मालूम चल जाता है, ठीक है, कि ये मेल है या फीमेल है, फिर हम दूसरा आते हैं कि हमें उनका गैप, यानी जनरेशन गैप, कि ये क्या है कि माता पिता जो हमारे हैं उनके जनरेशन में आने वाले लोग हैं, या उनके ऊपर उनके जो माता पिता हैं यानी हमारे दादा दादी, ठीक है, उनको वो जनरेशन, या हमसे नीचे जो हमारा लड़का हुआ लड़की हुआ ये जनरेशन। तो हमें जनरेशन गैप मालूम करना होता है कि सबसे पहले कि कौन सा जनरेशन चल रहा है, उसके हिसाब से हम मामा मामी, दादा दादी, पापा माता पिता, चाचा चाची या दामाद और बहु, इनका रिश्ता हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हमको जनरेशन गैप मालूम होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा होता है आपका फैमिली ट्री, ठीक है। अब आपको ये कहोगे फैमिली ट्री, यानी फैमिली ट्री माने कि जो भी आपका मैटरनल साइड यानी माता के तरफ से जो भी लोग आते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका पैटर्नल साइड यानी पिता की तरफ से जो भी लोग आते हैं, ठीक है, जैसे पिता की तरफ से उनके भाई, ठीक है, उनकी बहन, ठीक है, माता की तरफ से उनकी बहन, उनके भाई, ठीक है, उनके पिताजी, ठीक है। तो ये जितने भी रिलेशन होते हैं इसका एक फैमिली ट्री बनता है कि कौन किस जनरेशन में आता है, ठीक है, और कौन कौन क्या क्या लगेगा, ठीक है, जिसको किसको क्या बोलेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री में, ठीक है। तो ये तीनों चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है जिसके बारे में हम जानेंगे। जेंडर फाइंड आउट के बारे में हमने देखा मेल और फीमेल, दूसरा हमने जनरेशन गैप कि वो किस जनरेशन में आते हैं, और तीसरा फैमिली ट्री यानी वो मैटरनल साइड के हैं कि पैटरनल साइड के हैं। तो जनरेशन गैप, तो हम अभी आपको बता रहे थे कि पहला तो हमने जेंडर फाइंड आउट कर लिया, दूसरा होता है जनरेशन गैप। तो हम कैसे जनरेशन गैप के बारे में शो ऑफ करेंगे, कैसे हम बताएंगे किस जनरेशन में कौन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, जैसे क्या है कि अगर हस्बैंड वाइफ, पहला हो गया आपका हस्बैंड वाइफ, इनका रिलेशन अगर हमें बताना है तो हम इनको डबल एरो के साथ दिखा देते हैं, ठीक है। अगर सेम जनरेशन में कोई आता है, सेम जनरेशन में, तो उनको एक सिंगल लाइन से हम लोग दिखाते हैं, सेम जनरेशन को हम एक सिंगल लाइन से दिखा देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका कि अगर जनरेशन गैप होता है यानी एक जनरेशन ऊपर एक जनरेशन नीचे, ठीक है ना, अपर एंड लोअर जनरेशन के बारे में, अपर एंड लोअर जनरेशन, तो इनको हम एक सीधी लाइन से हम दिखा देते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेल को हम दिखाते हैं किससे, मेल को हम दिखा देंगे प्लस से। कुछ लोग क्या करते हैं इसको एक सर्कल बनाकर भी दिखा सकते हैं, कुछ लोग क्या कर सकते हैं इस सर्कल में ट्रायंगल बनाकर भी दिखा सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हम सबसे वो आसान चीज लेंगे जिससे हमको आसानी से उसके ऊपर बनाने में आसान रहेगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं मेल को किसे दिखा देंगे प्लस से, और फीमेल को किसे दिखा देंगे हम लोग माइनस से। तो ये होता है आपका कि कैसे हम जनरेशन फाइंड आउट करते हैं कि किस जनरेशन में कौन आता है। तो तीसरे स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो फैमिली ट्री होती है यानी जो भी माता के साइड से
और पिता के साइड से जो भी रिलेशन बनता है, जो भी खून का रिश्ता बनता है, ठीक है, उनके बारे में और उनको हम क्या क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम पहले मैटरनल साइड का और फिर पैटरनल साइड, यानी मैटरनल साइड बने यानी कि माता के तरफ से, यानी जो लोग माता के तरफ से आते हैं, और पैटरनल साइड मीन्स कि जो पिता के तरफ से आते हैं उनका जो भी रिलेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं माता की तरफ से, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं कि मदर को हम क्या कहते हैं, माता, ठीक है ना, यानी मदर को हम कहते हैं माता। फिर ग्रैंड मदर, तो आपको ग्रैंड मदर यहाँ पे भी दिख रहा होगा और ग्रैंड मदर यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपका, ठीक है। तो ग्रैंड मदर आपको जो माता के साइड से होती है, तो यानी हमारी माता जी है, उनकी जो माता जी है उनको हम क्या बोलेंगे, नानी, ठीक है। यानी ग्रैंड मदर जो होती है वो मैटरनल साइड में नानी बोली जाती है, ठीक है। जब हम ग्रैंड फादर की बात करते हैं तो मैटरनल साइड में जो ग्रैंड फादर को बोला जाता है वो बोला जाता है नाना को, ठीक है। फिर आते हैं ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो क्या आता है कि जब ब्रदर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ, तो इनको हम मैटरनल साइड में साला और साली का नाम दिया, ठीक है। यानी ब्रदर इन लॉ को हम बोलते हैं साला और सिस्टर इन लॉ को हम बोलते हैं साली, ठीक है। फिर आता है नाइस और नेफ्यू, ठीक है। तो नाइस और नेफ्यू को हिंदी में हम भतीजा या भांजा बोलते हैं नेफ्यू को, ठीक है। तो नेफ्यू में होता है आपका भांजा, ठीक है, और नीस में होता है भांजी। तो ये जो होते हैं आपके पूरे, ये होते हैं आपके मैटरनल साइड के रिलेशन, यानी जो मैटरनल साइड के रिलेशन होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये होती है पूरी रिलेशन मैटरनल साइड की। अब हम बात करेंगे पैटरनल साइड की। तो पैटरनल साइड में क्या होता है कि जो पिता होते हैं उनका भाई होते हैं, पिता होते हैं उनके पिताजी होते हैं, ठीक है। जो भाई होते हैं उनकी बहन होती है, ठीक है, तो उनको हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं फादर, फादर को बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि फादर को सभी जानते हैं, फादर भी होता है पिता, ठीक है। तो फिर आता है ग्रैंड फादर, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ग्रैंड मदर मिस ग्रैंड फादर मिस नाना, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ग्रैंड फादर मिस दादा, यानी क्योंकि ये पैटर्नल साइड के हैं, पिताजी के साइड की तरफ से आते हैं, इनको बोलेंगे हम दादा। ग्रैंड मदर यानी ग्रैंड मदर मतलब दादी, मैटर्नल साइड में उनको हम नानी बोलते हैं और पैटर्नल साइड में इनको हम बोलते हैं दादी। फिर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ आपका इधर भी हमने पढ़ा था और इधर भी पढ़ रहे हैं। तो ब्रदर इन लॉ इधर हमने यूज किया था किसके लिए, साला के लिए, और इधर ब्रदर इन लॉ यूज किया जाएगा देवर के लिए, ठीक है। यानी जो भी हस्बैंड होगा उसका जो भाई होगा वो इसमें क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ यानी देवर कहलाएगा, ठीक है। और सिस्टर इन लॉ क्या कहलाएगी, ननद बोली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। फिर नीस और नेफ्यू, ठीक है, नीस मीन्स आपका हो जाएगा यहाँ पे भतीजा, नीस में हो जाएगा भतीजी, नीस में हो जाएगा आपका भतीजी और नेफ्यू में हो जाएगा आपका भतीजा, ठीक है। तो इधर उन्होंने नीस और नेफ्यू को पढ़ा था हमने भांजी और भांजा, तो इधर हम लोग पढ़ेंगे नीस और नेफ्यू को हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, भतीजी और भतीजा, ठीक है। तब आते हैं हम अगला सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो सन इन लॉ और नाम से आपको समझ में आ रहा है, सन में होता है लड़का और डॉटर में होती है लड़की, ठीक है ना। यानी कहने मतलब कि अगर जो जो भी व्यक्ति है उसका अगर कोई उसका जो लड़का होता है, ठीक है ना, यानी उसका जो दामाद होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सन इन लॉ, क्योंकि दामाद भी एक तरह का लड़के के समान ही होता है, ठीक है ना। तो सन इन लॉ क्या होता है आपका दामाद। डॉटर इन लॉ यानी जो उस लड़के के लड़के की औरत आती है उसको बोलता है बहू, ठीक है ना। तो ये होता है डॉटर इन लॉ। तो दामाद और बहू के बारे में आप समझ गए, ठीक है। यानी जो व्यक्ति होगा उसकी लड़की की शादी जिसके साथ हुई होगी, ठीक है ना, वह व्यक्ति कहलाएगा सन इन लॉ यानी दामाद। और जो व्यक्ति, ठीक है, जो कोई व्यक्ति है उसका जो लड़का है उसकी जो वाइफ आएगी उसको वो बोलेगा क्या चीज, डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ में हो गया बहू और सन इन लॉ में हो गया आपका दामाद, ठीक है। फिर आते हैं इसे कोई व्यक्ति है उसका जो भाई है, ठीक है, तो भाई होता है वो अंकल, अंकल कहलाता है। इंग्लिश में आपने बोल दिया इसको अंकल, लेकिन अंकल का कई अर्थ निकलता है, पैटर्नल साइड से भी निकलता है और मैटर्नल साइड से भी निकलता है। पैटर्नल साइड से आपका निकलेगा चाचा, ठीक है, चाचा हो गया, और मैटर्नल साइड से आपका निकलेगा क्या जी, मामा, ठीक है। मामा को भी हम लोग क्या कहते हैं, अंकल ही बोलते हैं, ठीक है। मौसा को भी हम लोग अंकल बोलते हैं, फूफा को भी हम लोग अंकल बोलते हैं। तो कितना डिफिकल्ट होता है यहाँ पे समझना कि इंग्लिश में तो सिंगल एक वर्ड से हम समझ सकते हैं कि चाचा को, मौसा को, मामा को, फूफा को हम लोग अंकल बोल सकते हैं, लेकिन जब हिंदी आएगा, इसीलिए मैंने आपको इसकी हिंदी भी पूरी लिख दी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंकल मीन्स
चाचा भी होता है, मौसा भी होता है, फूफा भी होता है और मामा भी होता है। सेम अन, यानी चाची को हम लोग बोलते हैं अन, तो चाची, मौसी, बुआ और मामी सभी को हम लोग आंट बोल सकते हैं। तो हिंदी में आपको देख रहे हैं कई डिफिकल्ट कई नियम हो गए, जिनको चाची को भी हम लोग आंट बोलेंगे, मौसी को भी बोलेंगे, बुआ और मामी सबको बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में केवल एक सिंगल वर्ड आपका हो गया अंकल और आंट। ठीक है, फिर आते हैं फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, फादर मीन समझ में आ रहा है वो पिता और मदर मीन माता। तो फादर इन लॉ जहां पे भी लॉ लग गया, ठीक है, वो एक रिलेशन बताता है आपको कि फादर इन लॉ माने जो ससुर होते हैं, यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिससे उसकी शादी हुई है, जिस औरत से, उसके जो पिता होंगे वो क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे। ठीक है, और जो कहना है कि उनकी वाइफ होगी वो सास कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये होगा फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। ये फादर इन लॉ को हम ससुर बोलते हैं और मदर इन लॉ को हम लोग सास बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा एक तरह का फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मीन्स कि जो मैटरनल साइड से आते हैं, जो भी पैटर्नल साइड से आते हैं, इनका क्या क्या रिलेशन होता है और उनको हिंदी और इंग्लिश में हम उन्हें क्या क्या बोल सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने पूरा पढ़ा उसमें आपको सबसे आसान क्या लगा कि अगर इंग्लिश के एक वर्ड यूज करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश के वर्ड्स तो कॉमन है लेकिन हिंदी में उसी का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, आप ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर दादा दादी नाना नानी दोनों को बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन हिंदी में अर्थ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सेम इसी में ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, आप साला साली को भी बोल सकते हो, देवर दे और क्या नाम है ननद को भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार अंकल आंट का भी आपने डिफरेंट डिफरेंट नाम हिंदी में समझा, अंकल को चाचा मौसा फूफा मामा भी बोल सकते हैं, आंटी को चाची मौसी, ठीक है, बुआ और मामी वो भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार ये सब हो गया आपका पूरा पैटर्नल, क्या नाम है, पैटर्नल और मैटर्नल साइड की तरफ से फैमिली ट्री। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट जेंडर, जेंडर में क्या होता है मेल और फीमेल। दूसरा जनरेशन गैप, कैसे जनरेशन गैप में किसको किस एंगल से दिखाते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि किस एरो से दिखाएंगे, कि डबल एरो से दिखाएंगे या प्लस से दिखाएंगे माइनस से, क्योंकि आपको एक शो ऑफ दिख जाएगा कि हाँ इससे हम उनका जेंडर फाइंड आउट कर लेंगे, उनको इस जनरेशन गैप में हम रख सकते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा पूरा, यानी मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड में जो भी फैमिली ट्री बनती है उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो भी ब्लड रिलेशन होता है कितने टाइप्स में आता है। ठीक है, तो जितने टाइप्स के ब्लड रिलेशन होते हैं उनको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।